हमीरपुर जिला के वर्सर में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने पर लोग सभी डरे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कोरोना मामला सामने आने पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना बचाव के उपायों को अपनाएं। आज बस्तर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। बिजल के नजदीक गांव डरार में एक भाई हमारा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मेरी जनता से अपील है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और एकजुटता दिखाएं। उस परिवार से हम कोई भेदभाव न करें, उनका सहयोग हमें करना चाहिए, ताकि मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि जल्दी हमारा भाई ठीक होकर अपने घर आए। आपको भी बहुत बड़ा दुख है, मुझे बहुत बड़ा पर्सनली दुख है। मेरी जनता से अपील है, जो सरकार के निर्देश है, दिशा है, उसका हम पालन करें और सही ढंग से। ये महामारी किसी को भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी माता को हो सकती है, भाई को हो सकती है, बहन को हो सकती है, बुजुर्ग को हो सकती है। इस लड़ाई को हमने मिलकर लड़ना है। साथ ही मुझे कल की जो घटना है उसका भी मुझे दुख है कि कल 3 टेम्पू ड्राइवर किस तरह जिलाधीश जिला के कार्यालय से किस तरह उनको परमिशन मिल गई है। मैं नहीं कहता कि लोग बाहर से नहीं आना चाहिए, पर प्रॉपरली वहां मेडिकल चेकअप वहां होना चाहिए, बॉर्डर पे पूरा चेकअप होना चाहिए, पूरा वहां सिस्टम पुलिस को भी मिलना चाहिए, किटें ढंग से अच्छी किटें मिलनी चाहिए, अच्छा सामान मिलना चाहिए और दूरी बना के हम रखें, मुंह के ऊपर भी फेस कवर लगा के रखें, अपना हाथ धोएं, अपने घर में रहें। ये सारी बातों का हमें पालन करना पड़ेगा। और ये जो बहुत बड़ी घटना घटी है, ये पूरी जनता हम बरसा विधानसभा क्षेत्र को लड़ेंगे लड़ेंगे, जिला के भी लड़ेंगे, प्रदेश के भी लड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री इसके बारे में बात करूंगा कि इस तरह गैर कानूनी तरीके से जो पास दिए जा रहे हैं, जैसे सुबह मैंने टीवी में देखा कि 8 लोगों का पास एक ही गाड़ी का नंबर, 8 लोगों का पास 1 ही गाड़ी का नंबर, 8 लोगों का पास 1 ही गाड़ी का नंबर। ठीक है, बाहर से लोग आना चाहिए, उनका अपना घर है, मैं उनका स्वागत करता हूं, पर प्रॉपरली वो पूरा मेडिकल चेक कराए और अपना बॉर्डर पे अभी ठीक से चेक कराए, तभी अपने घरों में जाए। घरों में रहे तो 14 दिन अपने घर से बाहर ना निकले, ताकि जो हिमाचल के लोग, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिला के लोग जो पालन कर रहे हैं और कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ हमारे बरसा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया है, आज आया, इसका बहुत ज्यादा दुख मुझे है। तो जनता से मेरे दोनों हाथ जोड़ के अपील है कि जो सरकार का निर्देश है उसका हम सब एकजुटता से पालन करें और भगवान से फिर प्रार्थना करता हूं कि हमारा भाई जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुंचे। धन्यवाद।